हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं एक नई वीडियो के लिए, जिसमें आज ये वीडियो आपके लिए काफ़ी खास होने वाली है। इस वीडियो में मैं लेकर आया हूं द ऑल न्यू टाटा पंच, जो कि माइक्रो एसयूवी है। मतलब कि इस सेगमेंट की ये शायद पहली गाड़ी होगी, या फिर इसके आसपास कुछ गाड़ियां ऐसी होंगी, मतलब कि इस सेगमेंट की इसको मैं पहली गाड़ी बोल सकता हूँ। अगर मैं इसका कंपैरिजन इग्निस से करता हूँ या केयूवी से करता हूँ, तो वो शायद थोड़ा सा इनप्रॉपर रहेगा। तो ये इस गाड़ी सेगमेंट की शायद पहली गाड़ी होगी जो कि टाटा मोटर्स अभी लॉन्च करने वाला है। मतलब कि शोरूम्स में ये गाड़ी आ चुकी है, प्री लॉन्च बुकिंग्स इसकी स्टार्ट हो चुकी हैं, प्राइस इसका करीब करीब जल्दी ही आपको मिल जाएगा। तो दोस्तों, करते हैं इसका एक डिटेल रिव्यू और जानते हैं क्या इसमें खास है। दोस्तों, जो गाड़ी अभी आप देख रहे हैं, ये इसका टॉप ऑफ द लाइन होगा। और इसके अगर वेरिएंट की बात की जाए, तो यहाँ पर टाटा मोटर ने की डिक्शनरी में एक नया शब्द परसोना यहाँ पर आया है। मतलब वेरिएंट को यहाँ पर हम परसोना बोलेंगे। तो दोस्तों, ये इसका टॉप परसोना होगा, जो कि क्रिएटिव परसोना होगा। इसके अगर मैं टोटल वेरिएंट की बात करता हूँ, तो इसमें टोटल चार परसोना हैं, चार वेरिएंट हैं। बेस मॉडल इसका प्योर होगा, उसके बाद में एडवेंचर होगा, फिर उसके बाद में एकम्प्लिस्ड होगा, और टॉप वेरिएंट जो अभी आप देख रहे हैं, ये इसका क्रिएटिव वेरिएंट होगा। दोस्तों, क्रिएटिव वेरिएंट में 7 कलर्स अवेलेबल हैं। जो कलर अभी आप देख रहे हैं, ये इसका ट्रॉपिकल मिस्ट कलर होगा। इसके अलावा 6 कलर्स इसमें और आपको मिल जाएंगे। बाकी कलर्स की डिटेल आपको डिस्प्ले से मिल जाएगी कि किस वेरिएंट में आपको कितने सारे कलर्स मिल जाएंगे। दोस्तों, इस गाड़ी के अगर प्लेटफॉर्म की बात की जाए, तो अल्फा प्लेटफॉर्म पे ये गाड़ी बेस्ड होगी, जो कि पहले भी आप नेक्सॉन और अल्ट्रोज में देख चुके हैं। दोस्तों, इसके अलावा इसमें आप देखेंगे तो ट्राई एरो शेप की कुछ डिज़ाइनिंग आपको मिल जाएगी, जो कि सेम आपने नेक्सॉन में देखी है। व्हील साइज़ की अगर बात की जाए, तो 16 इंच का यहाँ पर आपको व्हील साइज मिलेगा, जो कि 195/60R16 डायमंड कट और अलॉय आपको मिल जाएगा। दोस्तों, इस गाड़ी में अगर देखा जाए, तो काफ़ी रिच फीचर्स भी दिए हुए हैं। जो गाड़ी अभी आप देख रहे हैं, इसमें आपको ड्यूल टोन रूफ वगैरह ये सारी चीज़ें मिल जाएंगी। फ्रंट से अगर आप देखेंगे, तो यहाँ पर आपको कुछ कुछ नेक्सॉन से मतलब मिलता हुआ कुछ यहाँ पर आपको डिज़ाइनिंग, मतलब कि ट्राई एरो शेप की डिज़ाइनिंग आपको मिल जाएगी। इसमें आप देखेंगे तो इसमें आपको 187mm की ग्राउंड क्लियरेंस आपको मिल जाएगी, जो कि काफ़ी हाई ग्राउंड क्लियरेंस मानी जाती है। दोस्तों, इस गाड़ी का डिज़ाइन थोड़ा सा अलग है, थोड़ा सा यूनिक है। इसके अगर डोर ट्रिम की बात की जाए, तो ड्यूल टोन डोर ट्रिम यहाँ पर आपको मिलता है, ऑल 4 पावर विंडोज के साथ में, इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल मिरर जो कि पावर फोल्डेबल भी होंगे। दोस्तों, इस गाड़ी की इस टाइप की कुछ की आपको मिलेगी, जिसमें कि लॉक, अनलॉक, फॉलो मी हेडलैम्प और बूट ओपनर जैसे फीचर्स आपको मिल जाएंगे। इसके अलावा इसकी अगर ड्राइविंग सीट की बात की जाए, तो यहाँ पर ये 6-वे एडजस्टेबल ड्राइविंग सीट आपको ऑफर की जाती है, जो कि कंफर्ट और कन्वीनियंट के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा यूज़फुल होगी। इसके अलावा इसमें मैंने एक चीज़ नोटिस की है, जो इसकी जो मतलब ड्राइविंग पोजीशन है, वो काफ़ी हाई ड्राइविंग पोजीशन है। मतलब कि कमांडिंग ओवर द ड्राइविंग पोजीशन आपको बहुत ज़्यादा कंफर्ट यहाँ पर आपको मिलने वाला है। मतलब कि बोनट का पूरा व्यू आप इसका देख सकते हैं। दोस्तों, बिलीव मी, इस गाड़ी को मैंने बहुत ज़्यादा नहीं चलाया, बस थोड़ा सा इसको चलाया, लेकिन इसको चलाने के बाद में जो एक कम्फर्ट और एक जो ड्राइविंग मैन्यूबिलिटी मुझे मिली है, वो बहुत शानदार थी। दोस्तों, इस गाड़ी में बैठने के बाद में आपको एक एसयूवी वाला फील आएगा, लेकिन इसको ड्राइव जब आप करेंगे, तो स्मूथनेस इस गाड़ी के अंदर इतनी है, बहुत ज़्यादा स्मूथनेस इस गाड़ी के अंदर है। मतलब कि स्टीयरिंग स्मूथनेस कह लीजिए, वो बहुत ज़्यादा स्मूथ है। इवन इसके क्लच, ब्रेक्स वगैरह ये सारी चीज़ें मैंने जब अप्लाई करके देखी, तो बहुत ज़्यादा स्मूथनेस थी। डेड पेडल यहाँ पर दिया हुआ है इसमें, मतलब कि जो कि कन्वीनियंस का पार्ट होगा। और बिलीव मी, बहुत ज़्यादा स्मूथ इसका ड्राइविंग एक्सपीरियंस मुझे मिला है। स्टीयरिंग की अगर बात की जाए, तो स्टीयरिंग में मतलब डी कट फ्लैट बॉटम स्टीयरिंग यहाँ पर ऑफर किया गया है, जिसमें कि आपको क्रूज कंट्रोल, स्टीयरिंग माउंटेड ऑडियो कंट्रोल जैसे फीचर्स आपको यहाँ पर इस गाड़ी में मिल जाते हैं। इसके बाद में आप देखेंगे, साथ ही साथ ये टिल्ट भी है, इसको आप अपनी हाइट के अकॉर्डिंग कहीं से भी एडजस्ट कर सकते हैं। ये साइड में इसका लीवर भी दिया हुआ है, यहाँ से आप इसको एडजस्ट कर सकते हैं ऊपर नीचे। इसके अलावा इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर पैनल की बात की जाए, तो यहाँ पर 7 इंच का TFT इंस्ट्रूमेंट प्लस क्लस्टर पैनल यहाँ पर आपको ऑफर किया जाता है, जो कि दिखने में काफ़ी स्टाइलिश है और बहुत ही रिच और प्रीमियम लुक यहाँ पर इस गाड़ी को देता है।
दोस्तों इसमें देखेंगे तो आप इसमें एक्सट्रीम लेफ्ट साइड में आपको आरपीएम मीटर मिल जाएगा, मतलब कि टैकोमीटर मिल जाएगा। एक्सट्रीम राइट साइड में इसमें आपको वोडोमीटर मिल जाएगा। इसके अलावा बहुत सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ पर आपको इस इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर पैनल से मिल जाएगी। आपकी गाड़ी कितना माइलेज दे रही है, आपकी गाड़ी में जो फ्यूल है उसमें आपकी कितनी गाड़ी आगे जा सकती है, बहुत कुछ इसके अलावा इस गाड़ी में आपको मिलने वाला है। दोस्तों एसी वेंट को अगर देखा जाए तो थोड़ा सा रेक्टेंगल टाइप एसी वेंट यहाँ पर ऑफर किए गए हैं। उसके ऑफ थोड़ा सा आप बॉटम में आएंगे तो फुली ऑटोमेटिक टेम्परेचर कंट्रोल एसी यहाँ पर आपको मिलता है। काफ़ी डीप स्पेस उसके नीचे आपको मिल जाएगा। 5-speed मैनुअल ट्रांसमिशन यहाँ पर आपको मिलता है। इसमें ऑटोमेटिक का भी ऑप्शन दिया हुआ है जो कि नेक्स्ट वीडियो में हम कवर करेंगे। दोस्तों इसके अलावा यहाँ पर आप पीछे देखेंगे उसके तो 12V का एक्सेसरी सॉकेट आपको मिल जाएगा। एसी वेंट की अगर बात की जाए तो बहुत शानदार एसी वेंट इसमें दिखते हैं। ऑटो डिमिंग IRVM यहाँ पर आपको मिल जाएगा, मतलब के एंटी ग्लेयर सॉरी यहाँ पर आपको मिरर मिल जाएगा। माइक यहाँ पर आपको रूफ माउंटेड मिल जाता है। दोस्तों प्लास्टिक क्वालिटी की अगर बात की जाए तो प्लास्टिक क्वालिटी इसमें काफ़ी स्टडी यूज़ की गई है। इसके बाद में हम बात करते हैं इसके ग्लोबॉक्स की, तो यहाँ पर आपको इल्यूमिनेटेड कूल्ड ग्लोबॉक्स मिल जाता है जिसमें कि काफ़ी यूटिलिटी इसमें आपको मिल जाएगी। पेन होल्डर अंदर आप देखेंगे तो यहाँ पर इसमें टैबलेट होल्डर, और आप यहाँ पर इसमें एक लाइट देख रहे हैं तो लाइट भी यहाँ पर आपको मिल जाती है। इसके साथ में ये यहाँ पर कूल्ड ग्लोबॉक्स का ऑप्शन मिल जाता है जिसको आप अपनी ज़रूरत के हिसाब से यूज़ कर सकते हैं। दोस्तों स्टाइलिंग की अगर बात की जाए तो स्टाइलिंग में इस गाड़ी में कहीं पर कोई कमी मुझे नहीं लगता कि टाटा मोटर के द्वारा की गई है, मतलब कि कहीं से कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया गया है इस गाड़ी में। पुश बटन स्टार्ट यहाँ पर आपको मिल जाता है, आइडल स्टॉप स्टार्ट का भी यहाँ पर फीचर आपको मिल जाएगा जो कि काफ़ी यूज़फुल है। आजकल पेट्रोल जितना महंगा होता जा रहा है उस हिसाब से काफ़ी यूज़फुल है। इसमें आप देखेंगे साइड में यहाँ पर एक इसमें मोबाइल पॉकेट दी हुई है जो कि बहुत ज़्यादा यूज़फुल स्पेस मुझे लगा है। तो ये करीब करीब 6 inch के डिस्प्ले का फ़ोन है, तो ये मैं यहाँ पर रख के देख रहा हूँ तो ये पूरे का पूरा यहाँ पर बहुत ईजीली यहाँ पर आ गया है, तो मतलब कि हैंडी स्पेस इसको बोलेंगे। ओवरऑल यहाँ पर इस गाड़ी में करीब करीब 25 यूटिलिटी स्पेस इस गाड़ी में आपको मिल जाते हैं। सनवाइज़र की बात की जाए तो ड्राइवर साइड में विद टिकट होल्डर मिल जाएगा, को ड्राइवर साइड में विद वैनिटी मिरर यहाँ पर आपको सनवाइज़र मिल जाता है। इसके अलावा इसमें और भी बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारे यूज़फुल फीचर्स आपको मिल जाएंगे। दोस्तों मित्सुई जापान से टाटा मोटर प्लास्टिक लेता है, तो प्लास्टिक क्वालिटी इस गाड़ी की बहुत शानदार है। इस गाड़ी की क्या, टाटा मोटर्स की सारी गाड़ियों की प्लास्टिक क्वालिटी बहुत अच्छी है। तो दोस्तों जैसा कि ये टॉप मॉडल है तो इसमें आपको स्मार्ट की का ऑप्शन मिलता है। यहाँ पर इसका सेंसर लगा हुआ है तो यहाँ पर आप की को रख सकते हैं, यहाँ से ये प्रॉपर वर्क करेगी। इसके अलावा यहाँ पर पीछे इसमें आप देखेंगे तो कप होल्डर्स यहाँ पर दिए हुए हैं। ओवरऑल फिट एंड फिनिशिंग में काफ़ी टाटा मोटर्स ने यहाँ पर काम किया है, मतलब कि फिट एंड फिनिशिंग पहले से बहुत ज़्यादा बेहतर है। अब चलते हैं इसके रियर सीट पे। टॉप माउंटेड डोर हैंडल इसमें दिया हुआ है रियर सीट पे, 90° के एंगल से ये इसके सारे दरवाजे ओपन होते हैं। यहाँ पर इसमें बॉटल होल्डर आपको मिल जाता है, ऊपर इसमें पावर विंडो का सॉकेट और क्रोम फिनिशिंग डोर हैंडल। दोस्तों चलते हैं इसके अंदर, देखते हैं कितना स्पेस यहाँ पर आपको मिलेगा। तो दोस्तों इसमें आप देखेंगे तो यहाँ पर इसमें आपको फ्लैट फ्लोरिंग मिल रही है, और बाकी मैं अभी आपको डीपली यहाँ पर दिखाऊंगा। फ्रंट सीट में पॉकेट भी यहाँ पर आपको मिल जाएगी। इसके अलावा दोस्तों क्लास लीडिंग फीचर्स इस गाड़ी में आपको मिलेंगे, जैसा कि हार्मन एक इसका एग्जाम्पल हो सकता है। 7 inch की टच बेस्ड कनेक्टिविटी बाय हार्मन इसमें आपको मिलेगी। इसके अलावा रियर सीट के अगर मैं स्पेस की बात करूँ तो रियर सीट में स्पेस मतलब ठीक ठाक है, 3 लोग ईजिली बैठ सकते हैं। फ्लैट फ्लोरिंग का एक अपना अलग फ़ायदा है जिससे कि बीच में जो भी पैसेंजर बैठते हैं उनके लिए काफ़ी आसानी रहती है। इसके अलावा इसमें आप देखेंगे तो आर्मरेस्ट भी यहाँ पर दिया हुआ है, हालांकि कप होल्डर उसमें नहीं है बट आर्मरेस्ट यहाँ पर दिया हुआ है 2 लोगों के बैठने के लिए। काफ़ी मतलब कन्वीनियंट और काफ़ी मतलब कम्फर्टेबल ये सीट रहेगी। इसके अलावा रियर का जो इसका व्यू है, रियर का व्यू भी इस गाड़ी में काफ़ी सही आपको मिलने वाला है, क्योंकि रियर का जो विंडशील्ड है वो भी इसमें काफ़ी अच्छी है। ओवरऑल कैबिन स्पेस इसमें एम्पल कैबिन स्पेस इस गाड़ी में आपको मिल जाएगा, क्योंकि इस गाड़ी का जो साइज़ है वो बहुत ही परफेक्ट साइज़ है।
दोस्तों ट्राई एरो शेप की डिजाइनिंग में यहाँ पर आपको एलईडी टेल लैम्प मिल जाते हैं। ऊपर हाई माउंटेड स्टॉप लैम्प की अगर बात करूँ तो हाई माउंटेड स्टॉप लैम्प इसमें मिल जाता है। दोनों रूफ रेल्स यहाँ पर आपको मिल जाएंगी। इसके नीचे रियर वाइपर विद डिफॉगर आपको मिल जाएगा। नीचे कैमरा भी इसमें दिया हुआ है, कैमरा इसमें लगा हुआ है। अब देखते हैं इसमें स्पेस कितना है बूट में। दोस्तों 366 लीटर बूट स्पेस यहाँ पर इसमें आपको मिलेगा। कुछ इस तरह का व्यू आपको रियर से मिल जाएगा। अब देखते हैं इसमें जो बूट स्पेस है वो इसमें कितना है। बूट स्पेस की अगर बात की जाए तो 366 लीटर इसमें बूट स्पेस मिलता है। बूट स्पेस में भी इसमें आपको 366 और 319 लीटर, ये दो मेजरमेंट हैं। मतलब कि आप अगर रूफ तक मेजर करते हैं तो 366 लीटर होगा, आप अगर पार्सल ट्रे तक मेजर करते हैं तो ये 319 लीटर होगा। 3 केजी की कैपेसिटी के यहाँ पर इसमें आपको हुक भी मिल जाएंगे। इसके अलावा इसमें बूट लैंप भी बूट में दिया हुआ है, जो कि अंधेरे में रात के टाइम में काफ़ी यूज़फुल आपके लिए साबित होने वाला है। दोस्तों अंदर इसमें आप देखेंगे तो यहाँ पर ग्रैब हैंडल भी आपको बूट में मिल जाता है। ये एक इसमें नई चीज़ दी हुई है जो कि ज़्यादातर गाड़ियों में नहीं मिलता है। यहाँ पर कुछ LED लैंप वगैरह दिए हुए हैं जिनका विज़न सीधा सीधा नंबर प्लेट पर रहेगा, मतलब कि नंबर प्लेट पर इल्यूमिनेशन इनका रहेगा। कुछ इस तरह की रियर प्रोफाइल इस गाड़ी की आपको मिलेगी जो कि काफ़ी स्टाइलिश और काफ़ी प्रीमियम लुक देने वाली है। दोस्तों 3827 मिलीमीटर इस गाड़ी की लेंथ रहेगी। बाकी डायमेंशन आप इसके डिस्प्ले पर चेक कर सकते हैं। अब चलते हैं इसके कुछ टेक्निकलिटीज़ पर। इस गाड़ी में अगर मैं इंजन की बात करूं तो 1.2 लीटर रेवोट्रॉन विद डायना प्रो टेक्नोलॉजी यहां पर आपको ऑफर किया गया है, जिसकी मैक्सिमम पावर 86 PS रहेगी। टॉर्क की अगर बात की जाए तो यहां पर आपको 113 न्यूटन मीटर टॉर्क 3300 RPM पर डिलीवर करता है। दोस्तों इस गाड़ी की अगर बिल्ड क्वालिटी की बात की जाए तो बिल्ड क्वालिटी इस गाड़ी की काफ़ी अच्छी है। मतलब कि इस गाड़ी का जो वेट है वो 1035 kg अनलेडन वेट होगा। 37 लीटर का इसमें फ्यूल टैंक यूज़ किया गया है। दोस्तों इसके अगर मैं डोर ओपनिंग की बात करूं तो 90 डिग्री के एंगल से इसके वाइड डोर ओपनिंग मिल जाती है, जिसमें एंट्री और एग्जिट काफ़ी आसान हो जाती है। इसमें आप देख रहे हैं फ्रंट डोर इसका खुला हुआ है जो कि 90 डिग्री के एंगल पर खुला हुआ है। रियर डोर भी आप देख सकते हैं 90 डिग्री के एंगल पर रियर डोर भी खुला हुआ है। मतलब कि अगर इसके मैं चारों दरवाजे आराम खोल देता हूं तो इसमें एंट्री और एग्जिट बहुत आसान, मतलब